हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इंडियन कार्स वर्सेस पाकिस्तान कार्स बिग बिल्डिंग जंप चैलेंज। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, हमने एक तरफ इंडिया की कार्स लगा रखी है, जिसमें अपने पास बोलेरो है, महिंद्रा थार है, बहुत सारी कार्स है, स्कॉर्पियो है, XUV 700 है, यहीं पे अपनी फॉर्च्यूनर भी है। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हो, हमने एक तरफ पाकिस्तान की कार्स लगा रखी है। और दोस्तों, जैसे ही ये सभी कार्स समाप्त हो जाएंगी, तो हम लोग और भी नए कार्स को ऐड करने वाले हैं। तो चलिए आज का आपको चैलेंज दिखाते हैं। भाई आज का चैलेंज तो आप देख ही सकते हो, यहाँ से देखने के बाद कितनी खतरनाक लग रही है। तो भाई चलिए आपको बताते हैं कैसे आज के अपने कार्स को कंप्लीट करनी है मिशन को। तो ऊपर से सारे के सारे अपने इंडियन और पाकिस्तान कार्स को फुल स्पीड में आनी है और भाई यहां से गुजरना है। और देख सकते हो भाई साहब, इस ट्रैक पे कभी कभी मतलब लहरें आ रही है, तो पानी काफी ज्यादा हो जा रही है, जिससे भाई कार्स की जो बैलेंस है वो बिगड़ जा रही है और कार भाई इसके अंदर नीचे चली जा रही है। मतलब कि यह जो गैप है भाई, आगे चलते हुए और भी ज्यादा बढ़ जा रही है। आपको स्टार्टिंग से मैं फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा। यहां देखो भाई साहब, गैप अभी थोड़ा एकदम थोड़ा है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे आ रहा है तो गैप काफी बड़ा होता जा रहा है। तो भाई इसको पार करते हुए और बीच बीच में भाई पानी भी काफी ज्यादा आ जा रही है, तो कार की जो स्पीड होगी वो पूरा कम हो जाएगी और कार भाई कुछ तो बाहर नीचे भी गिर जाएगी। तो देखने वाले कौन कौन से जो अपनी कार है, वहां से फुल स्पीड में आने के बाद यहां देखो भाई, यहां आएगी और इसमें कितने सारे हमने बूस्टर्स लगा रखे हैं, ताकि भाई यहां से कार की बहुत सारी स्पीड हो जाए और स्पीड करने के बाद भाई यहां से अपनी कार फुल जंप लगा दे। और भाई ये जो मेज बैंक की बिल्डिंग है, इसी को जंप करना है, तो यहां से फुल स्पीड में जंप करनी है। और जंप करने के बाद सभी कार्स को इधर तक आनी है, इस माटी वाले एरिया पे। जो भी अपनी कार इस रेतीले एरिया पे आ जाएगी, वही कार आज की विनर बनने वाली है। दोस्तों, अगर कोई कार इस बिल्डिंग को पार करने के बाद भी पानी में गिर करके बंद हो जाएगी, तो वो कार अपनी इस मिशन को फेल कर जाएगी। लेकिन अगर पानी में गिरने के बाद भी कैसे भी बाहर आ जाएगी, तो वो कार अपनी विनर बन जाएगी। तो आज का ये जो चैलेंज है यार, काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो चलिए देखते हैं भाई, कौन कौन से जो अपने इंडिया और पाकिस्तान की कार है, वो आज के इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगी। तो सबसे पहले जो अपनी कार होने वाली है, वो होने वाली अपनी Scorpio S11। तो चलिए अपनी S11 को सबसे पहले लेके चलते हैं और देखते हैं कि भाई यहां पर जो अपनी S11 है, वो इस मिशन को कैसे कंप्लीट कर पाती है। और भाई ये देखो, ओ भाई S11 की टायर्स कैसे रबर के जैसे चल रही थी, और यहां पर बूस्टर्स लगी, काफी अच्छी स्पीड हो गई है। देखते हैं कि जंप कैसी ले पाएगी। और भाई ये देखो यार, क्या खतरनाक वाली जंप लगाई है भाई। अपनी S11 जो है वो पूरी मतलब बहुत ज्यादा पावर्स वाली कार है, और भाई देख सकते हो बहुत गजब भाई अपने मिशंस को कंप्लीट करी है। इतनी बड़ी बिल्डिंग को भाई जंप करके आना सभी कार की बस की बात नहीं है, लेकिन भाई S11 तो S11 है, देख सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से भाई अपने मिशंस को कंप्लीट कर पाई है। तो चलिए चलते अपनी पहली पाकिस्तान की कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली पाकिस्तान की तरफ से कार होने वाली है, वो होने वाली है अपनी फोर्ड एक्सप्लोरर। तो चलिए इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो अपनी फोर्ड एक्सप्लोरर है, वो कैसी परफॉर्म कर पाएगी। क्या लगता है आपको, क्या अपनी फोर्ड एक्सप्लोरर इस मिशन को कंप्लीट करेगी। ओ भाई यहाँ देख सकते हो, काफी ज्यादा वाटर लेवल थी, और भाई फिर भी अपनी जो फोर्ड एक्सप्लोरर है वो काफी स्पीड में निकल पड़ी है। देखते हैं भाई कि क्या ये बिल्डिंग को जंप कर पाएगी या नहीं। ओके, ओ भाई, और ये बिल्डिंग से जस्ट आगे आकर के गिरी है, और देख सकते हो भाई ये शायद पानी में थोड़ी सी गिरने वाली है, अगर निकल गई तो भाई देख सकते हो क्या गजब परफॉर्मेंस रही है यार अपनी फोर्ड एक्सप्लोरर की, और ये भी भाई अपने इस मिशन को कंप्लीट कर पाई है। तो चलिए चलते अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है, वो होने वाली अपनी इंडिया की तरफ से टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो चलिए अपनी फॉर्च्यूनर को लेकर चलते हैं और भाई फॉर्च्यूनर की यहाँ पर जंप देखते हैं और सस्पेंशन देखते हैं कि ये कैसी यहाँ पर परफॉर्म करेगी, क्योंकि भाई एक ही मिशन में हम यहाँ पर दो सस्पेंशन भाई साहब दो चैलेंज कर रहे हैं, एक तो सस्पेंशन का, दूसरी जंप का। तो देखते हैं भाई यहाँ पर, ओ भाई ये क्या था भाई, ओ भाई मुझे तो यार यकीन ही नहीं हो रहा कि अपनी फॉर्च्यूनर इतनी भयंकर जंप लगाएगी। भाई देख रहे हो विनोद, क्या खतरनाक जंप लगाई है भाई अपनी फॉर्च्यूनर भाई, और देखो इस मिशन को बहुत ही अच्छी तरीके से भाई ये कंप्लीट कर पाई है, बहुत गजब। तो चलिए इसको साइड लगा देते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली पाकिस्तान की तरफ से कार होने वाली है, वो होने वाली है अपनी BJ40। तो चलिए BJ40 जीप को लेके चलते हैं, और भाई साहब इसकी तो परफॉर्मेंस के बारे में आपको क्या बताना, आप जानते ही हो BJ40 के बारे में। तो देखते हैं भाई यहाँ पर जो BJ40 है कैसी परफॉर्म करेगी। सस्पेंशन तो भाई बेहतरीन है इसकी, अब भाई देखते हैं कि ये जंप कैसी ले पाएगी। ओके, यहाँ पर लगा चुकी है जंप, और देखो भाई इसको तो भाई इससे भी बड़ा कोई बिल्डिंग दे देते तो इससे भी बड़ा बिल्डिंग को वो जंप कर जाती, और भाई BJ40 का तो कोई जोर नहीं है भाई,
काफी गजब ये जंप लगाई है और देख सकते हो कितनी प्यारी तरीके से भाई ये लैंड करी है, मतलब बहुत आसान तरीके से भाई अपने मिशंस को कंप्लीट कर पाई है। और अभी तक भाई हमने दो इंडिया और दो पाकिस्तान के कार्स को ट्राई किया है और देख सकते हो भाई सारे के सारे कार्स अभी यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट कार की तरफ चलते हैं। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी इंडिया की तरफ से महिंद्रा XUV 500। तो चलिए अपनी XUV 500 को लेकर चलते हैं और भाई देखते हैं कि जो अपनी XUV 500 है वो यहाँ पर कैसी परफॉर्म कर पाएगी। और भाई इसकी सस्पेंशन देखो भाई क्या खतरनाक है, और देखते हैं कि भाई ये जंप यहाँ पर कैसी लगा पाती है। गजब स्पीड में चली भाई, बूस्टर लगने के बाद जो कार की स्पीड हो रही है ना काफी बेहतरीन हो जा रही है, और इसके चलते भाई ये देख सकते हो अपनी जो XUV 500 है वो भी इस मिशन को कंप्लीट कर पाई है बेहतरीन। भाई बहुत गजब इसकी जंप रही है, और भाई चलिए इसको साइड लगा देते हैं और नेक्स्ट पाकिस्तान की कार की तरफ चलते हैं। बहुत बेहतरीन भाई अभी तक अपनी सारी कार जंप लगा रही है। सो गाइस, अब जो हमारी अगली पाकिस्तान की तरफ से कार होने वाली है वो होने वाली अपनी लैंड क्रूजर VRX। तो चलिए अपनी लैंड क्रूजर VRX को लेकर चलते हैं और भाई देखते हैं कि ये कैसी परफॉर्म कर पाएगी। क्या लगता है आपको, क्या अपनी VRX इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगी या नहीं? ओके भाई, ये देखो कितनी ज्यादा वाटर लेवल इसके सामने थी, लेकिन भाई इन सभी को चीरते हुए निकल चुके अपनी VRX। और भाई ये काफी पावरफुल कार तो है, लेकिन जंप कैसी लगा पाएगी ये देखने वाली बात है। और ये मेज बैंक के ऊपर ही लैंड कर गई, लेकिन कोई बात नहीं है भाई, अगर ये पानी में नहीं गिरती है तो ये अपने मिशंस को पास कर लेगी। लेकिन पानी में गिरने के बाद भी अगर यहाँ से ये निकल पाती है तो भाई ये पास कर लेगी। ओके, सीधा तो हो चुकी है, बस ये निकल जाए भाई, बेहतरीन जंप रही है। और भाई ये देख सकते हो VRX भाई काफी पावरफुल कार है, पाकिस्तान की तरफ से आती है, लेकिन भाई काफी पावर इसमें बड़ी है। देख सकते हो बेहतरीन परफॉर्म करके भाई अपने मिशंस को कंप्लीट कर पाई है। तो चलिए नेक्स्ट कार की तरफ चलते हैं। सो गाइस, अब जो हमारी अगली इंडिया की तरफ से कार होने वाली है वो होने वाली अपनी प्यारी महिंद्रा बोलेरो। तो चलिए अपनी बोलेरो को लेकर चलते हैं और भाई देखते हैं कि यहाँ पर बोलेरो कैसी परफॉर्म करेगी। अभी तक तो भाई अपनी सारी कार से इस मिशन को कंप्लीट करी है, चाहे वो इंडिया की हो पाकिस्तान की हो। तो देखते हैं भाई यहाँ पर जो बोलेरो है वो कैसी परफॉर्म करने वाली है। और भाई ये देखो ड्रोन व्यू तो क्या मस्त लगती है भाई, और ये कितनी ऊंचाई पर जंप मारी है, मुझे तो लगता है भाई ये सबसे आगे जाकर के गिरने वाली, लेकिन फिर भी देखते हैं। ओके भाई, ये देखो यार सच में बेहतरीन जंप रही है भाई, सच बताओ यार आज का ये जो जंप है ना काफी खतरनाक वाली है। लेकिन भाई सारी की सारी अपनी कार अभी तक तो जंप कर रही है, तो चलिए चलते अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली पाकिस्तान की तरफ से कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी लेक्सस 570। तो चलिए लेक्सस 570 को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई ये कैसी परफॉर्म कर पाएगी। ये भी यार काफी बड़ी गाड़ी है जैसे अपनी VRX है, तो देखते हैं भाई ये कहां तक सर्वाइव कर पाती है। और भाई ये तो देख सकते हो यार, मतलब इस सस्पेंशन में ही डेड हो गई है और गजब पलट चुकी है भाई। मुझे तो यार यकीन ही नहीं हो रहा है कि अपनी जो भाई लेक्सस 570 है वो तो यार इस सस्पेंशन में ही फेल कर गई भाई। आगे का जंप का क्या बोलना है यार, बहुत बुरा हुआ भाई लेक्सस 570 के साथ। तो चलिए कोई बात नहीं भाई, इसको साइड लगा देते हैं, वैसे भाई काफी खतरनाक ये कार है। तो चलते अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली इंडिया की तरफ से कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी प्यारी सी महिंद्रा थार। तो चलिए अपनी थार को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो थार है वो कैसी परफॉर्म करने वाली है। अभी तक अपने भाई साहब सारी की सारी इंडिया की कार इस मिशन को कंप्लीट करिए, तो देखते हैं भाई थार कैसी परफॉर्म करेगी। ओके, एक समय भाई साहब ये खड़ा हो चुका था, मुझे लगा कि भाई कहीं पलट ना जाए, लेकिन देख सकते हो यहाँ पर थार बहुत स्पीड में चली। और भाई क्या ये मेज बैंक को क्रॉस कर पाएगी या नहीं? बिल्कुल कर पाएगी भाई, पावर तो थार में भी इतनी ज्यादा है कि आपको तो पता ही है। और देख सकते हो भाई साहब अपनी जो थार है वो भी इस मिशन को कंप्लीट कर पाई है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए इसको भी साइड लगा देते हैं और चलते अपनी नेक्स्ट पाकिस्तान की कार की तरफ। पांच इंडिया के कार्स आ चुके हैं भाई अभी देख सकते हो, और भाई साहब अभी तक अपनी चार पाकिस्तान के कार्स आ चुके हैं। तो चलो नेक्स्ट कार की तरफ चलते हैं। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी पाकिस्तान की तरफ से अकुड़ा MDX। तो चलिए इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो अपनी अकुड़ा MDX है वो कैसी परफॉर्म करने वाली है। क्या लगता है आपको कि क्या अपनी इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगी अकुड़ा MDX या नहीं कर पाएगी? काफी अच्छी बेहतरीन भाई साहब ये जा रही थी, लेकिन ओ भाई बच गई। अरे भाई यार, लेकिन भाई ये बचने का क्या फायदा यार, ये जंप नहीं लगा पाएगी मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि भाई इसकी स्पीड खत्म हो गई है। लेकिन फिर भी देखते हैं भाई अकुड़ा MDX कितनी दूर तक सर्वाइव कर पाती है भाई, क्या बताए भाई।
ओके जा पाएगी क्या? नहीं नहीं भाई साहब, वैसे भाई ये कर लेती अपनी मिशंस को, लेकिन भाई साहब वो जो ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट है भाई, वहीं से ये पलट गई है और इसके कारण भाई इसकी स्पीड खत्म हो गई है अपनी जो कूड़ा MDX है, और भाई ये भी मिशंस को फेल कर गई है। तो कोई बात नहीं भाई, आज फेल करिए और मिशंस में तो काफी बेहतरीन करती है। तो चलिए नेक्स्ट कार की तरफ चलते हैं। सो गाइस, अब जो हमारी अगली इंडिया की तरफ से कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी सुजुकी विटारा ब्रेजा। तो चलिए सुजुकी विटारा ब्रेजा को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई ये कैसी परफॉर्म करेगी। छोटी गाड़ी है भाई, सस्पेंशन इसको दिक्कत दे सकती है, देखते हैं भाई ये कितनी दूर सरवाइव कर पाएगी। ओ भाई बच के निकल गई क्या? ओ देख सकते हो यार, छोटी गाड़ी होने के बावजूद भी क्या बच के निकली है, और भाई बच के निकलने के बाद ये जंप बेहतरीन लगाती है आपको पता है, और देख सकते हो यार सुजुकी विटारा ब्रेजा भाई क्या गजब जंप लगाई है भाई, बहुत गजब। और भाई अपने मिशंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाई है, और देख सकते हो भाई इंडिया की मतलब सारी की सारी कार्स तो आ चुकी है, एक भी कार इसकी फेल नहीं करी, लेकिन भाई पाकिस्तान के अभी तक 2 कार्स फेल करी है, और भाई 3 ही कार्स आ चुकी है, उस समय मैं गलत बोल दिया था, 3 कार्स ही अभी तक आ पाई है। तो चलिए कोई बात नहीं, लाते अपनी दूसरी कार को। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी पाकिस्तान की तरफ से आउटलैंडर GT। तो चलिए अपनी आउटलैंडर GT को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो अपनी आउटलैंडर GT है वो कैसी परफॉर्म करने वाली है। और देख सकते हो भाई फुल स्पीड में चली अपनी आउटलैंडर, और आउटलैंडर की जो स्पीड होती है भाई सच में काफी ज्यादा होती है, तो इसको तो भाई अपने मिशंस को करने से कोई रोक भी नहीं सकता है। और यही मैं बता रहा हूँ भाई, देखो यार क्या खतरनाक जंप लगा चुकी है, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से भाई अपने मिशंस को कंप्लीट करने वाली है और सबसे आगे जाकर के गिरने वाली है। देख सकते हो भाई क्या खतरनाक जंप लगाई है, और अपनी आउटलैंडर GT भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मिशंस को कंप्लीट कर पाई है। तो चलिए लेते अपनी नेक्स्ट गाड़ी को। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी हुंडई क्रेटा। तो चलिए अपनी क्रेटा को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो अपनी हुंडई क्रेटा है वो कैसी जंप लगा पाएगी। क्या लगता है आपको कि क्या अपनी हुंडई क्रेटा इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? और भाई देख सकते हो सस्पेंशन तो काफी बेहतरीन इसकी हो रही है, ओके निकाल चुके हैं भाई, अब देखते हैं कि ये जंप कितनी बड़ी ले पाती है। क्या लगता है भाई कि क्या ये मेज बैंक की बिल्डिंग को जंप कर पा के उस पार तक जा पाएगी या नहीं? और भाई ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भाई, देख सकते हो, और अपनी हुंडई क्रेटा भाई उतनी बड़ी जंप नहीं लगा पाई है, जिससे कि भाई अपने मिशंस को पास कर दी, और भाई ये पहली इंडियन कार बनी है जो भाई इस मिशंस को फेल करिए, नहीं तो भाई सारी की सारी अपनी इंडियन कार इस मिशंस को कंप्लीट ही करिए। तो चलो कोई बात नहीं भाई, चलते अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली पाकिस्तान की तरफ से कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी टोयोटा पराडो। तो चलिए टोयोटा पराडो को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई ये कैसी परफॉर्म करने वाली है। क्या लगता है भाई कि क्या ये अपने इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगी? और भाई ये देख सकते हो यार कितनी बुरी हालत हो गई भाई, मतलब ये स्टार्टिंग में ही फेल हो गई भाई, ये तो मतलब यहाँ पर लड़ गई, ग्राउंड क्लियरेंस भाई इसकी उतनी अच्छी है नहीं, और भाई इसके चलते जो अपनी टोयोटा पराडो है वो फेल कर चुके। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अभी तक अपनी कितनी इंडियन और कितनी पाकिस्तान की कार्स पास करी इस मिशन को। वैसे भाई अभी हमने 7 इंडिया की और 7 पाकिस्तान की कार्स को ट्राई किया है, जिसमें भाई आप देख सकते हो 6 इंडिया की कार आ चुकी है और भाई 4 पाकिस्तान की कार्स इस मिशन को कर पाई है। तो चलिए इन सभी कार्स को हटाते हैं और लाते अपनी 1-2 और इंडिया और पाकिस्तान की कार्स को और उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी इंडिया की तरफ से फोर्ड इंडीवर। तो चलिए अपनी फोर्ड इंडीवर को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो फोर्ड इंडीवर है वो कैसी परफॉर्म करने वाली है। फोर्ड इंडीवर की तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस बेस्ट होती है, लेकिन भाई जंप थोड़ी सी दिक्कत ये करने वाली है मुझे जहाँ तक लगता है। तो देखते हैं भाई, ग्राउंड क्लियरेंस तो ये निकल चुकी है, अब ये जंप कैसी ले पाती है ये देखने वाली बात है। और भाई जंप भी तो ठीक ठाक लगाई, लेकिन नहीं, ओ भाई ये तो उतनी दूर गई ही नहीं जिससे भाई अपने मिशन को कंप्लीट करे। और भाई ये देखो रुक जा, अरे भाई ये मतलब गिर चुकी है भाई, ये मतलब ये अपने मिशंस में फेल कर चुकी है, उतनी बड़ी जंप इसकी नहीं है जिससे भाई अपने मिशंस को कंप्लीट करे। तो चलो कोई बात नहीं भाई, इसको साइड लगा देते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट पाकिस्तान की कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली पाकिस्तान की तरफ से कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी टोयोटा हिलक्स। तो चलिए टोयोटा हिलक्स को लेकर चलते हैं और भाई देखते हैं कि ये जो अपनी टोयोटा हिलक्स है वो कैसी परफॉर्म करने वाली है। वैसे भाई इसकी भी ग्राउंड क्लियरेंस बेस्ट होती है, देखते हैं कि भाई ये जंप कैसी ले पाएगी। यहाँ तो ये आराम से निकल जाएगी, बहुत आराम से निकल चुकी है, अब ये जंप कैसी लेने वाली है ये देखने वाली बात है। और ये जंप तो लगा चुकी है, ओके देखते हैं कि क्या भाई ये बिल्डिंग को क्रॉस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी भाई, नहीं कर पाएगी। और देख सकते हो टोयोटा हिलक्स भी इस मिशन को यार फेल कर गई है, मतलब काफी ज्यादा भारी गाड़ी होती है ये, और भाई इसके चलते ये उतनी बड़ी जंप नहीं लगा पाई, लेकिन फिर भी यार काफी बड़ी जंप है, देख सकते हो, आपको मैं जरा एक बार दिखाना चाहूँ तो देखो यार कितनी बड़ी जंप है, कहाँ पर अपनी कार लटकी हुई है ये देख सकते हो। तो चलो चलते अपनी नेक्स्ट कार
कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी प्यारी सी फॉर्च्यूनर लेजेंडर। तो चलिए अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर को लेके चलते हैं। और भाई अपने इंडिया की तरफ से आखिरी कार है, तो देखते हैं कि भाई इसकी कैसी परफॉर्मेंस होने वाली है। क्या लगता है आपको कि क्या अपनी जो लेजेंडर है इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? मुझे लगता है शायद ये कर लेनी चाहिए, क्योंकि अपनी फॉर्च्यूनर भी करी है इस मिशन को, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और भाई ये देखो, सच में देखो भाई कितनी खतरनाक इसकी जंप रही है, और क्या बड़ी जंप लगाई है भाई, और बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी जो लेजेंडर है वो इस मिशन को कंप्लीट कर पाई है। तो चलिए इसको साइड लगा देते हैं, बहुत बेहतरीन भाई इसकी परफॉर्मेंस रही है। तो लाते अपनी इस मिशन की आखिरी कार को। सो गाइस, इस मिशन की जो हमारी आखिरी कार होने वाली है वो होने वाली अपनी पाकिस्तान की तरफ से जीएमसी अकाडिया। तो चलिए जीएमसी अकाडिया को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो अपनी जीएमसी अकाडिया है वो कैसी परफॉर्म करने वाली है। क्या लगता है आपको, क्या अपनी जीएमसी अकाडिया इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगी? ओ भाई, ओके भाई, ये लड़खड़ा गई थी लेकिन चलो निकल गई है। देखते हैं कि भाई कि क्या ये यहाँ से लंबी जंप लगा करके इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाई आज की मिशन में यार पाकिस्तान की थोड़ी सी हालत खराब हुई है, लेकिन भाई देख सकते हो क्या बेहतरीन परफॉर्म करी है भाई जीएमसी अकाडिया, और यार इस मिशन को ये भी कंप्लीट कर पाई है। तो भाई लोग आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और भाई आज हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के 9 कार ट्राई किए, जिसमें से भाई साहब इंडिया की 7 कार्स आ चुकी है और भाई साहब पाकिस्तान की 5 कार्स आई है। तो चलो कोई बात नहीं, कभी भाई आगे पीछे होते ही रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सभी से मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।